नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में। हमारी कोशिश रहती है शो के जरिए आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना और आपके हर सवाल का जवाब अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानना, ताकि आप सेहतमंद रह सकें। आज हम बात करेंगे अफ्रीकन स्वाइन फीवर के बारे में, जिसको स्वाइन फ्लू भी बोला जाता है। कोविड-19 के बाद अब नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के केसेस ने हमारी चिंताएं और बढ़ा दी हैं। मिजोरम और त्रिपुरा समेत कई राज्य इसकी चपेट में हैं। लेकिन ये फीवर इंसानों और जानवरों के लिए कितना और कैसे खतरनाक है, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर नवनीत सूद। डॉक्टर नवनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर नवनीत, सबसे पहला सवाल मैं आपसे आसान भाषा में जानना चाहती हूँ कि स्वाइन फ्लू होता क्या है और ये नॉर्मल फ्लू से कैसे अलग होता है? देखिए, स्वाइन फ्लू जैसे नाम सजेस्ट करता है, स्वाइन हम पिग्स को बोलते हैं और ये इन्फ्लुएंजा वायरस की एक सब टाइप है जो पिग्स को इन्फेक्ट करती है और ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करती है। प्राइमरली स्वाइन फ्लूज होते हैं वो पिग्स में इन्फेक्शन करते हैं। तीन तरह के इन्फ्लुएंजा वायरसेस होते हैं, ए, बी और सी। बी जो है वो पिग्स में नहीं होता है। ए जो है वो ए और सी जो है वो पिग्स में भी होते हैं और ह्यूमन में भी होते हैं। तो ज्यादा कंसर्न हमारा ए के साथ रहता है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है, और ज्यादातर उसमें इन्वॉल्व जो रहते हैं वो पिग्स रहते हैं। और ह्यूमंस में ट्रांसमिशन जो लोग वहां से काम कर रहे हैं, पिग्स के साथ फार्म्स में काम कर रहे हैं या वहां बहुत ज्यादा एक्सपोजर हो गया है, उनसे हो गया है और वो आगे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से करते हैं। डॉक्टर, इस फीवर के लक्षण क्या है? इस फीवर के लक्षण नॉर्मल फ्लू जैसे ही होते हैं और ये हमारा डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन ही रहता है ज्यादातर टाइम। एपिडेमियोलॉजी मतलब उस एरिया में क्या स्प्रेड हो रहा है, जैसे अभी हमें पता लगा कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्प्रेड हो रहा है, तो वहाँ के डॉक्टर्स को, स्पेशली जो प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप्स में डॉक्टर्स हैं जिनको उस तरह का फीडबैक नहीं है, उनको बताना जरूरी है। जो नॉर्मल लक्षण है वो ही होते हैं, खांसी है, फीवर है, सांस चढ़ना है, ऑक्सीजन की कमी होना है, आंखों में जलन होना है, जो नॉर्मल एक फ्लू के लक्षण होते हैं। बट इनसे हमें प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है कि जो इन स्वाइन फ्लू के जो ह्यूमंस के केसेस हैं वो आगे चल के रेस्पिरेटरी फेलियर तक भी कर सकते हैं। डॉक्टर, ये भी बताइए कि ये जो फीवर है वो कितना खतरनाक है और इसका उपचार क्या है? देखिए, नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस का बहुत एफिशिएंट उपचार ह्यूमंस को नहीं मिला। उसका रीजन ये है क्योंकि वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हमारे पास एंटीबायोटिक्स रहते हैं, एंटीबायोटिक्स के अपर लेवल पे हम जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं एंटीबायोटिक्स को, पर वायरसेस में ऐसा नहीं है। बहुत कम एंटीवायरल्स हैं जो बहुत कम वायरसेस के अगेंस्ट इफेक्टिव हैं, और जो नए स्ट्रेन आते हैं उनके अगेंस्ट भी वो इनफेक्टिव होते हैं। सेम गोज फॉर वैक्सीनेशन ऑल्सो। ऑल्दो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो लगती है वो आपको रेगुलरली लगवानी है, जो एटलीस्ट जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, बट उसकी भी इफेक्टिविटी स्पेसिफिकली स्वाइन फ्लू में जो है वो अभी अप्रूवन नहीं है बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा अभी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो एक नॉर्मल इंसान अपनी जिंदगी में किस तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करे ताकि हम इन वायरसों के प्रभाव से बच सके? देखिए, एक्सरसाइज करना तो बहुत जरूरी है। खाने पीने में आप नेचुरल चीजें ज्यादा लीजिए, रिफाइंड चीजें कम लीजिए। आजकल हमारे खाने में बहुत ज्यादा फाइबर नहीं होता है, तो फाइबर जो है वो अपार्ट फ्रॉम आपके पेट को ठीक रखने के लिए या पाचन शक्ति को ठीक रखने के लिए आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है। विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वो सबकी न्यूट्रिशनली आपको अच्छा खाना खाना है। अच्छा का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि महंगा खाना खाना है, आजकल बहुत सारी रिफाइंड चीजें आती हैं मार्केट में। आप अपने घर में भी बहुत सारी कुछ चीजें लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक खाना खा सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी प्रॉब्लम चल रही हैं, आपके फर्टिलाइजर्स हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज हो रहे हैं, उन चीजों को धीरे धीरे करके आपको लाइफस्टाइल में हमने कम करना है। मतलब अब वो गवर्नमेंट करेगी और आप करेंगे जैसे भी मिक्स करके, आगे आने वाली जनरेशन को नहीं तो बहुत दिक्कत होगी।
डॉक्टर नवनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि डॉक्टर नवनीत ने भी कहा कि हमारी इम्यूनिटी ही हमें इन वायरसेस के खिलाफ बचा सकती है, और हमारे शो का मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। और अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए।